हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के तीसरे चैप्टर वैद्युत विभव पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके पहले के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसके बाद के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपका दो चैप्टर छूटा हुआ है, वैद्युत विभव एवं संधारित्र, उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैद्युत विभव मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो आपसे पूछा जाए कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है। वैद्युत विभव क्या है? तो एक भौतिक राशि है जो किन्हीं दो चालकों के में आवेश प्रवाह के दिशा को निर्धारित करती है। ये क्या करता है? तो दो चालकों में आवेश प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है। आवेश प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है। आप क्या बताएंगे कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किन्हीं दो चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो आई थिंक आपको वैद्युत विभव आसानी से क्लियर हो गया होगा कि एक भौतिक राशि जो किन्हीं दो चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करे वह वैद्युत विभव कहलाता है। और याद रखिएगा कि जो धन आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से, किस तरफ से? उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रभावित होता है, निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसको आपको याद रखना है। याद क्या रखेंगे कि किसी चालक में धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा, और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। और याद रखिए अगला पॉइंट कि यदि कोई चालक है, समझ लीजिए इस चालक का विभव समान है। विभव क्या है? समान है। यदि कोई चालक में विभव समान है, दोनों चालकों में विभव आपका क्या है? समान है, तो इसमें आवेश की मात्रा भी समान होगी। यानी कि ये चालक का आकार समान होने के साथ साथ इसमें यदि विभव की मात्रा समान है तो इसमें जो आवेश होगा वो भी कितना होगा? दोनों में बराबर होगा। तो तीन पॉइंट, उच्च विभव सदैव धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, और यदि दो समान आकार के चालक हों तथा जिनमें विभव की मात्रा समान हो तो उसमें आवेश की मात्रा भी समान होती है। यानी कि यदि दोनों चालक एक जैसे हों तो इनमें आवेश की मात्रा समान होती है विभव समान होने के साथ साथ। और याद रखिएगा, मान लीजिए इसमें ज्यादा विभव है, यानी कि हमारे पास दो चालक हैं, दो चालक हैं जिनमें विभव की मात्रा समान नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि एक चालक से आवेश निकलकर दूसरे चालक में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों चालकों में आवेश का मान या विभव का मान समान ना हो जाए। तो आप क्या बताएंगे कि दो चालकों में समान विभव ना होने की स्थिति में एक चालक से आवेश निकलकर दूसरे चालक में तब तक जाता है जब तक कि दोनों चालकों में आवेश की मात्राएं समान ना हो जाए या दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। तो एक चालक से आवेश निकलकर दूसरे चालक में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों चालकों में विभव की मात्रा समान ना हो जाए। और याद रखिए, अब विभव की या वैद्युत विभव की हम लोग ऑफिशियल परिभाषा देखना चाहें तो वैद्युत विभव की आप परिभाषा बताएंगे V बराबर W बाई Q से। यदि हम लोग Q को एकांक कर दें, तो V बराबर W हो जाएगा। अर्थात किसी परिपथ में या किसी चालक में एकांक आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बताएंगे आप लोग कि यदि हम लोग इस आवेश को एकांक कर दें, तो यहां पर जो कार्य है वही वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी आप बताएंगे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लीजिए अनंत है यहां वैद्युत क्षेत्र, इसके भीतर लाकर स्थापित करने में
किसी बिंदु पर लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बताएंगे? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी आप एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु के अंदर लाकर स्थापित कीजिए तो उसमें जो कार्य किया जाएगा वही आपका वैद्युत विभव कहलाएगा, अर्थात V बराबर W बाई क्यों, क्यों एकांक होगा तो V बराबर W आपका आ जाएगा। और यदि हम लोग क्या करें, मान लीजिए किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित कर रहे हैं तो V बराबर W अपान क्यों नाट हो जाएगा, V बराबर W अपान क्यों नाट। यानी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य ये आपका W V बराबर या उत्पन्न विभव V बराबर W बाई क्यों या W बराबर V अपान क्यों हो जाएगा आपका। तो ये हो जाता है किया गया कार्य यदि W हो तो V बराबर W अपान क्यों नाट, यानी कि विभव आपका विभव कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका मात्रक होता है वोल्ट, अथवा इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल और प्रति कूलाम, वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं और याद रखना है कि जो वैद्युत विभव होता है वह एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है दो चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। उच्च विभव सदैव धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है और ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। और यदि दो समान आकार के चालक हों और उनमें विभव की मात्रा समान होने के साथ साथ आवेश की मात्रा भी समान होती है, और यदि चालक में आप ऐसे गणना कीजिए कि मान लीजिए जो विभव है वो बराबर नहीं है तो एक चालक से इलेक्ट्रॉन या आवेश निकलकर दूसरे चालक में तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए, दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। आगे आपको बताया गया कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु में लाकर स्थापित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश को लाया जाए तो V बराबर W अपान क्यू नॉट हो जाएगा। मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है और याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये पॉइंट आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक वोल्ट की परिभाषा। देखिए एक वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे हम, तो एक वोल्ट बराबर आपका होता है एक जूल बटे एक कूलाम, एक जूल बटे एक कूलाम हो जाएगा। तो आप बताएंगे एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाकर स्थापित करने में यदि जो किया गया कार्य है वो एक जूल है तो उत्पन्न विभव का मान एक वोल्ट होगा। यानी एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में यदि एक जूल का कार्य किया जाता है तो उत्पन्न विभव का मान एक वोल्ट होगा। आप इसको क्या बताएंगे? इसको आप हमेशा बोलेंगे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य यदि एक जूल हो तो ये एक और एक हो जाएगा आपका एक वोल्ट, यानी कि उत्पन्न विभव का मान कितना हो जाएगा एक वोल्ट। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य यदि एक जूल हो तो उत्पन्न विभव का मान एक वोल्ट होता है। और विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए ये आपका VA है, ये VB है, तो VB माइनस VA बराबर W अपान क्यू नॉट ये हो जाएगा वैद्युत विभवांतर। यानी कि जब आपसे पूछा जाए विभवांतर या वैद्युत विभवांतर क्या है, तुरंत बताएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और यदि ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप ये बताएंगे यदि पहला बिंदु वी ए और दूसरा बिंदु वी बी, तो वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट हो जाएगा। एक चीज और होता है आपका सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव की मात्रा समान होती है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, विभव की मात्रा समान होती है, विभव का मान समान होता है, उसे बोला जाता है समविभव पृष्ठ। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जहाँ पर उत्पन्न विभव की मात्रा, जहाँ पर उत्पन्न प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या वह पृष्ठ जहां पर उत्पन्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव की मात्रा समान होती है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। और सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, विभव का मान समान होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। और इसमें नोट पॉइंट में आप बताएंगे कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान होती है, आप यही बताएंगे। और दूसरा आप ये बताएंगे कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, यानी कि काट नहीं सकते हैं। और वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत हमेशा निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत निकलती हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और चौथा आप ये बताएंगे, आप चौथा ये बताएंगे यदि परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया नेट कार्य शून्य होता है, यानी वी ए या वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू अपान क्यों, आपने पढ़ा था ये जीरो और डब्लू अपान क्यों, अर्थात क्यों ये पूरा का पूरा डब्लू बराबर जीरो हो जाएगा। आप बताएंगे समविभव पृष्ठ के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया नेट कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव।